हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, जैसे कि आप सब जानते हैं। इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है और एक इंटरेस्ट होता है कि हमने किसी को कोई अमाउंट, कोई सम, कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, कुछ पैसे दिए हैं, तो उसके ऊपर जब वो हमें वो वापसी करे तो उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिले। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि ब्याज के बारे में। इंटरेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो ज़्यादातर हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि लोगों ने बैंक से कुछ लोन लिया है, कोई अमाउंट लिया है, तो कोर्ट जब बैंक उसको वापसी लेती है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा देती है कि आप जब इसको रिटर्न करेंगे मेरे को तो आप इसके ऊपर इतना परसेंट बढ़ा करके देंगे मेरे को, कि अगर आपने 1,00,000 रुपये दिया है तो आपको 10% पर एनम, यानी कि 1,10,000 रुपये आपको मुझे इसको वापस करने हैं। और वहीं अगर वो अमाउंट वो पे नहीं करता तो उसके ऊपर और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग जाता है, यानी कि ब्याज लग जाता है। तो इंटरेस्ट का मतलब हमारा यहाँ पर ब्याज है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारा सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है इंटरेस्ट के बारे में। तो हमारे सेक्शन नंबर 34 के अंदर गिवन है ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 34 से। सेक्शन नंबर 34 का सब सेक्शन 1 हमारा कहता है वेयर एंड इन सो फार एज डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि अगर हमारी कोई डिक्री पास हुई है और वो डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, उस डिक्री के अंदर ये गिवन है कि यहाँ पर आपको रिकवरी हो रही है आपकी मनी की, तो कोर्ट में, यानी कि कोर्ट अगर चाहे तो, कोर्ट को अगर लगता है कि इस जो पेमेंट ऑफ मनी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके साथ साथ प्लेंटिफ को कुछ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तो कोर्ट को जितना इंटरेस्ट फिट लगता है, रीजनेबल लगता है, उतना इंटरेस्ट और दिलाएगी कोर्ट उस प्लेंटिफ को। यानी कि सपोज कीजिए कि कोर्ट को लगता है कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस अमाउंट के साथ में, तो कोर्ट 10% इंटरेस्ट और दिलाएगी आपको उस डिक्री, उस जो पेमेंट ऑफ मनी की जो डिक्री आपके साथ पास हुई है उसी के अंदर आपको इंटरेस्ट भी अवार्ड किया जाएगा कि 1,00,000 की जगह आपको 1,10,000 रुपये पेमेंट ऑफ मनी प्लस इंटरेस्ट आपको दोनों चीज़ें दिलाएगी। अब देखते हैं इसके अंदर कि कोर्ट जो हमें इंटरेस्ट दिला रही है वो कौन कौन सी स्टेजेस पे दिलाएगी। तो कोर्ट जो हमें स्टेजेस पे दिलाएगी, इसकी बेसिकली कोर्ट की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो स्टेज होती है हमारी जब हमने सूट अपना डाला ही नहीं है अभी कोर्ट के अंदर, यानी कि प्रायर टू सूट, जिस दिन हमारा एक अमाउंट किसी शख्स के ऊपर ड्यू हुआ कि भाई आज आपको मेरे को इतना अमाउंट देना है, ये पेमेंट है, मैंने आपको 10,00,000 रुपये दिए थे और ये 10,00,000 रुपये आज आपको मेरे को पे करने हैं, लेकिन उस दिन उस बंदे ने वो पैसे पे नहीं करे, तो उस दिन से लेकर के और जिस दिन तक हम कोर्ट के अंदर उस सूट को लेकर के आएंगे कि भाई हमको उस बंदे से 10,00,000 रुपये लेने हैं, जब हम वो सूट आकर के कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे, उस दिन तक के जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,00,000 रुपये वो तो रहा अलग, लेकिन उसके साथ में जो इंटरेस्ट है कोर्ट हमको वो भी दिलाएगी। दूसरी हमारी स्टेज है कि हमने कोर्ट के अंदर अपना सूट फाइल कर दिया और तब से लेकर के और जब हमारी डिक्री पास होती है, एक डिक्री बनती है कि भाई ये मनी आपको, पेमेंट आपको रिकवर होगी, आपको मिलेगी, तो उस डिक्री तक की जो टाइम पीरियड होगा डेट ऑफ सूट से लेकर के डिक्री तक का, उस पीरियड का कोर्ट अगर चाहे तो कुछ भी इंटरेस्ट जो उसको कोर्ट को लगता है रीजनेबल इंटरेस्ट है, ये इतना अमाउंट प्लेंटिफ को मिलना चाहिए, तो उतना अमाउंट का इंटरेस्ट और कोर्ट उस पेमेंट के साथ में ऐड करा देगी, अपनी डिग्री के अंदर लिख देगी। और अगर टाइम है हमारा फ्रॉम डेट ऑफ डिग्री, अब डिग्री हमारी पास हो गई लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हुई, तो जब तक हमारी पेमेंट होगी उस डेट तक, यानी कि डेट ऑफ डिग्री, हमारी एक डिग्री पास करी कोर्ट ने कि आपको इतना अमाउंट जो है वो रिकवर होगा, आपको ये मिलेगा और इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका ये है, और जब अब से लेकर के जिस दिन वो आपको अमाउंट देगा उसके बीच का जितना भी टाइम रहेगा उस टाइम के हिसाब से कोर्ट एक
अवार्ड पास करेगी इंटरेस्ट का, कि इतने दिन का आपको इसको इतने परसेंट का इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ये तो रही हमारी तीन स्टेज। अब हम सबसे पहले अपना पढ़ेंगे प्रायर टू सूट, यानी कि हमारा अभी सूट कोर्ट के अंदर नहीं आया, इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है। तो जिस दिन हम अपना कोर्ट के अंदर सूट लेकर के आए हैं, फाइल जिस दिन करा है, उस दिन से लेकर के हम पीछे जाएंगे उस डेट पर जिस डेट पर वो अमाउंट ड्यू हुआ था, तो उस दौरान का यानी कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हमारा अराइज हुआ तब से लेकर के आज की डेट तक जब हमने कोर्ट के अंदर अपना सूट फाइल किया है, उस टाइम तक का कोर्ट हमको एक इंटरेस्ट दिलाएगी। कोर्ट के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट अगर चाहे तो जो आपका प्रिंसिपल सम है वो भी दिला सकती है, वो तो दिलाएगी दिलाएगी, और साथ ही आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिलाएगी, और इंटरेस्ट उतना होगा जितना कोर्ट को लगता है कि इतना मिलना रीजनेबल है। दूसरी हमारी स्टेज है फ्रॉम डेट ऑफ सूट से लेकर के डिग्री तक की, तो इसके अंदर भी कोर्ट हमें इंटरेस्ट दिलाएगी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, और उतना दिलाएगी जितना कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल है। अब तीसरी हमारी स्टेज है कि कोर्ट ने डिक्री पास कर दी लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं हुई, तो डिक्री पास करने की डेट से लेकर के पेमेंट की डेट तक जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं मिलता तब तक उसके ऊपर 6% या 6% से कम का इंटरेस्ट कोर्ट हमें दिला सकती है। अब ये सबसे ज़रूरी जानने सीखने वाली बात है और समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि डिक्री पास होने के बाद में और पेमेंट तक कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिला सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दिला सकती। ये 6% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 6% ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, और ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि कोर्ट कितना इंटरेस्ट हमें दिलाती है। तो कोर्ट हमें बेसिकली जो दिलाती है वो 6% या उससे कम इंटरेस्ट हमें पर एनम का मिलता है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर अपनी डिग्री के अंदर। अब कोर्ट हमें डिग्री अवार्ड कब कब कराती है, अब यहाँ पर हमारी बात चल रही है जब हमारा कोर्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, हमने सूट फाइल करा, सूट फाइल करने से लेकर के जब तक हमारी डिग्री नहीं आई है तब तक की हमारी बात चल रही है कि कोर्ट हमें यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर कितना और कैसे अवार्ड में इंटरेस्ट दिला सकता है। तो अभी हमारी डिग्री पास नहीं है, अगर हमारी डिग्री पास होगी तो तब से लेकर के और पेमेंट तक हमें सिर्फ 6% मिलेगा, लेकिन अभी अगर डिग्री पास नहीं हुई है और उससे पहले कोर्ट हमें इंटरेस्ट दिला रहा है तो वो दिलाएगा उतना जितना कि हमारा गिवन है, प्रोवाइडेड है किसी स्टैट्यूट के अंदर, किसी रूल के अंदर या इंटरेस्ट एक्ट के अंदर या किसी लॉ के अंदर अगर गिवन है कि आपको इतना इंटरेस्ट देना है तो कोर्ट उतना इंटरेस्ट हमें दिला सकती है। या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है पार्टीज़ के बीच में कि भाई आपका ये एग्रीमेंट है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आप इतने परसेंट का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कोर्ट तब वो इंटरेस्ट दिला सकती है। या फिर कोई यूसेज है या फिर कस्टम है कि आप एक बिजनेस करते हैं या फिर कोई ट्रेड करते हैं, उसके अंदर आपने ये एक यूसेज बना हुआ है, कस्टम बना हुआ है हर किसी का कि भाई अगर इस बिजनेस के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो जो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा वो पेमेंट के साथ साथ इतना परसेंट इंटरेस्ट भी पे करेगा, भले ही वो एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा, वो किसी स्टेट्यूट के अंदर नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उसे वो पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक यूसेज है, वो एक कस्टम है जो उस ट्रेड या फिर बिजनेस के अंदर पहले से चलता आ रहा है। अब अगर एग्रीमेंट है एक पार्टीज के बीच में तो उसके अंदर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है ये उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर स्टिपुलेट होगा, लिखा होगा कि भाई आपको अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको इतना परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। दूसरी बात ये होगी कि भाई एग्रीमेंट के अंदर लिखा ही नहीं होगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, अगर तो दो चीज़ें हैं, या तो एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, दूसरी चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है ये इसके अंदर स्टिपुलेट ही नहीं कर रखा है एग्रीमेंट के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा स्टिपुलेट कर रखा है
लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको इतना पेमेंट, पेमेंट के साथ में इतना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है। तब क्या होगा, तब कोर्ट जो है अवार्ड कर देगी इंटरेस्ट जो स्टिपुलेट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उतना जो अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो एग्रीमेंट के हिसाब से प्लेंटिफ को मिलेगा एज अ इंटरेस्ट। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, वो अगर एक्सेसिव होता है तो कोर्ट उसको रिड्यूस भी कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो एग्रीमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट लिख रखा है, सपोज कीजिए कि एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि आपको पेमेंट अगर आपने नहीं करी तो आपको 50% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि जो लिखा हुआ है, स्टिपुलेट है, वो रीजनेबल नहीं है, तो कोर्ट को जो रीजनेबल लगेगा कोर्ट उतना अमाउंट इंटरेस्ट का अवार्ड करेगी प्लेंटिव को, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी और रिड्यूस कर देगी, भले ही वो इस एग्रीमेंट के अंदर ही क्यों ना लिखा हो। अब दूसरा हमारा ये होता है कि अगर हमारे इंटरेस्ट कितना पे करना है ये एग्रीमेंट के अंदर स्टिपुलेट ही नहीं है, इसके अंदर लिखा ही नहीं है कि भाई आपको इतना अमाउंट, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है इस अमाउंट के साथ में, तब क्या होगा, तब प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, तब प्लेंटिफ को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर ऐसा कोई यूसेज और कस्टम है उस ट्रेड या फिर उस बिजनेस के अंदर जहाँ पर जो अलाउ करता है इंटरेस्ट, यानी कि अगर को आप एक ट्रेड कर रहे हैं और आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ये कस्टम चलता आ रहा है कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं करी तो उसको पेमेंट के साथ में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो वहाँ पर अगर एग्रीमेंट के अंदर नहीं भी लिखा तो भी कोर्ट उसके लिए आपको अवार्ड कर देगी इंटरेस्ट कि आप आइए, आप ये प्रूफ कीजिए कि ये कस्टम और यूसेज आपके इस ट्रेड और बिजनेस के अंदर होता है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपको कोर्ट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस अमाउंट के साथ में अवार्ड करेगी। अब इसका प्रोविजो हमारा ये कहता है कि अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है डिक्री से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट तक, अब हमारी बात चल रही है कि हमारी डिक्री पास हो गई लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हुई, और बात है हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन की, तो अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और डिक्री हमारी पास हो गई और पेमेंट नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि 6% ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6% ही रहेगा या उससे कम रहेगा। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि एक नेशनल बैंक अगर कोई लोन देता है तो, या फिर कुछ एडवांस देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाता है, तो उससे ज़्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट सिर्फ उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अवॉर्ड करेगी जितना कि एक नेशनलाइज्ड बैंक अगर लोन देता है या एडवांस देता है तो उसके ऊपर जो लगाता है उस जितना उसका होगा उतना या उससे कम, लेकिन 6% से ज़्यादा हो सकता है अगर ट्रांजेक्शन कमर्शल है। सेक्शन नंबर 34 का सबसेक्शन 2 हमारा ये कहता है कि अगर डिक्री के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी कि जो पेमेंट है उसके साथ में कोई फर्दर इंटरेस्ट भी है, यानी कि डिक्री हमारी साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट, कोर्ट ने जब हमारी डिक्री पास करी तब ये नहीं लिखा कि आपको इस अमाउंट के साथ में इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आगे आप उस डिक्री के ऊपर या फिर आप उस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा से किसी और कोर्ट के अंदर जा करके कोई सेपरेट सूट नहीं डाल सकते। तो सबसेक्शन 2 हमारा बेसिकली एक बार है, ये बार लगाता है कोई फर्दर सूट ले जाने के लिए किसी इंटरेस्ट के लिए, यानी कि आपने एक अमाउंट मांगा कोर्ट से कि भाई हमें इतना अमाउंट चाहिए, ये हमारा, हम लायबल हैं इसके लिए, इतनी पेमेंट सामने वाले डिफेंडेंट को करनी है, कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी कि ये लो जी आपका जो ये अमाउंट है आपको अब ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ को पे करेगा, लेकिन कोर्ट ने उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो आपके जो अमाउंट है उसके साथ में आपको इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर कोर्ट ने अपनी डिग्री के अंदर नहीं लिखा तो आप कोई सेपरेट सूट लेकर के दोबारा से कोर्ट में नहीं जा सकते उस इंटरेस्ट के लिए। तो सबसेक्शन 2 हमारा ये बार लगाता है।
तो आई होप आप इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी पूरा समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्स जुडिशरी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेक्स जुडिशरी। थैंक यू।